तो दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजी शक्ति के अंदर आप अपना ई केवाईसी कैसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, दोस्तों यहाँ पर डिजी शक्ति के अंदर ई केवाईसी कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ, चाहे आपके पास एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से, दोस्तों यहाँ पर दोनों तरीके से दोस्तों आप इसके अंदर ई केवाईसी को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके घंटी कुल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम आपको बताएंगे वेबसाइट के द्वारा, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो दोस्तों यहाँ पर आप एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप जो अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी शक्ति। दोस्तों जैसे यहाँ पर डिजी शक्ति सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसी के ऊपर आपको विजिट करना है। एंड जैसे यहाँ पर विजिट करेंगे तो उसके बाद उसके यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको मेरी पहचान पोर्टल माध्यम से ई केवाईसी करा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। तो सॉरी यहाँ पर मैंने गलत टैप कर दिया। तो जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करने के लिए प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर टू कंप्लीट द प्रोसेस आधार वेरिफिकेशन रीड द प्रोसेस फॉलो। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आधार प्रमाणीकरण पूर्ण के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ सिंपल सा प्रोसेस। तो जैसे आप इस पर आधार प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों अपने विश्वविद्यालय में बोर्ड सोसाइटी काउंसिल कॉलेज संस्थान और नामांकन संख्या जैसे कैप्चा दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सत्यापित करना पड़ेगा एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कृपया अपना जो जन्मतिथि वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अपना आधार नंबर दर्ज करें, OTP माध्यम से सत्यापित मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जिस पर निर्भर करता है कौन विकल्प चुनना है। OTP प्राप्त होने के बाद दोस्तों आपको सत्यापित और फॉर्म सबमिट किया जाएगा। एक बार KYC सफलतापूर्वक हो जाने के बाद ई प्रमाणीकरण पहचान वेबसाइट पर आपको दोबारा से रिडायरेक्ट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे चेक यानी कि करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आना सबसे पहले, अब दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन मिला है यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दोस्तों वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर्म भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाता है, बहुत सारे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होता है, कानपुर यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज इन इंस्टीट्यूशन यानी कि कहाँ से आपने आवेदन किया है वो यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर आपके मार्कशीट में देखने को मिल जाता है, तो वो यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है एंड इंटर कैप्चा कोड यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को इंटर करना है। तो सारी चीज़ें फिल करके यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते आधार ई के वाई सी स्टेटस यानी कि अभी हमारा पेंडिंग शो कर रहा है। अगर यहाँ पर ई के वाई सी का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो दोस्तों इसी पर सीधे आपको टैप कर देना है एंड अलग तरीके से एक पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और ठीक इसी तरह से दोस्तों जो इसमें बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों सत्यापन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा एंड उस OTP को यहाँ पर इसमें भरना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों आपका जो है हाँ फिर से आपको डिजी शक्ति के पोर्टल पर आप रिडायरेक्ट कर देगा एंड उसके बाद उसको ई केवाईसी यहाँ पर आपका कंप्लीट दिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना ई केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके घंटी को प्रवेश कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।